नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2 जून की रात हुए बालासोर हादसे के निशान अभी खत्म ही नहीं हुए कि सियासी वार पलटवार शुरू हो गए हैं। राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी हैं। नेताओं ने अपनी सियासत का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। लोगों के जख्म पर अभी मरहम भी ठीक से नहीं लगा था कि मामले पर राजनीति शुरू कर दी गई। सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है तो बीजेपी विपक्ष को जवाब दे रही है, लेकिन हादसों पर शुरू हुई ये सियासत अपने आप में कई सवाल उठाती है। जैसे हादसे के गम पर क्या सियासी मरहम लगाया जा रहा है? आंसुओं के सैलाब पर क्या सियासत हो रही है? और रेल हादसे में क्या राजनेता अपना फायदा देख रहे हैं? क्या सियासत करने से हादसे का हल निकलेगा? और मौत पर आखिर राजनीति क्यों की जा रही है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब इस खास कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जून की शाम ओडिशा का बालासोर 3 ट्रेन की टक्कर से तहल उठा। साल 2014 के बाद हुआ ये अब तक का सबसे भयानक रेल हादसा था। ऐसा हादसा जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा का मालूम नहीं सर। बच्चा नहीं मालूम है कहाँ गया? कितना छोटा बच्चा है? 25 साल का। मैं देखा तो मेरा हाथ टूट गया है, पर ऐसे झूल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। ऐसे अचानक हम लोग को लगा कि हम लोग जिंदा है या मुर्दा। आंखों में 2 जून की रात का दर्द कायम था। तबाह मौत के उस सफर का मंजर अभी तक सहन से उतरा भी नहीं था। मुआवजे की मरहम से जख्मों को भरने की कोशिश की जा रही थी कि हादसे में सियासी फायदा ढूंढने वालों की जवाब भी चली आई, जिसके बाद शुरू हुआ बेशर्म बयानबाजियों का सिलसिला। मैं उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन क्या रेल मंत्री जी, विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने ही कार्यकाल की नहीं, शायद इस शताब्दी की भीषण दुर्घटना पर त्यागपत्र देने की सोचेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में बैठे बैठे ट्वीट करते हैं कि झूठी सरकार की झूठी तकनीक लोगों की जान की दुश्मन बन गई। अरे भाई, ये कौन से सिग्नल लगाए थे? इसीलिए मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों ने कवच नहीं लगाया ट्रेन में, इन्होंने कहीं न कहीं कपट किया है भ्रष्टाचार का। प्रियंका गांधी वाड्रा सेवादार लोगों से जवाब पूछ रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था कि मातम में जश्न मनाया जा रहा है, और कांग्रेस आपने तो हद ही कर दी। कहते हैं ब्रिटिश सरकार में तो हादसे नहीं होते थे, गुलामी के समय तो ट्रेनों का कोई जवाब ही नहीं था। वाह जी वाह, अंग्रेज सरकार ने इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स जो सीधे सरकार के शासक के पेड लोग थे, वो इसकी सुरक्षा देखते थे। वो कहते थे कि इस ट्रैक पे चलाओ, ये ट्रैक को रिपेयर करो, अभी रोक दो। वो इंजीनियर्स कहते थे वो प्राइवेट कंपनी को करना पड़ता था, ट्रेन ऐसे नहीं चलती थी। सियासी सूरमाओं के इस बेशर्म रंग को देख दिल रो पड़ा, लेकिन जांच तो होनी है और जांच हुई भी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की माने तो मालूम हो चुका है कि जिम्मेदार कौन है। कह रहे हैं कि वो बचेगा नहीं। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। जिनकी दुनिया खाक हुई सो खाक हुई, जिनके ख्वाब खत्म हुए सो खत्म हुए। सियासत तो अपना रास्ता अपना फायदा तलाश ही लेती है। रेल हादसे में भी विपक्ष ने अपनी सियासी रोटियां सेकने का जरिया ढूंढ ही लिया, मगर इस मुल्क के माइलॉर्ड इन चीखों का जवाब तो देना होगा ना। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके अलावा अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, अशोक त्रिपाठी पूर्व सदस्य है भारतीय रेलवे बोर्ड के। आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, जो कि आप रेलवे से जुड़े रहे हैं और भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य भी आप रहे हैं। जो ये पूरी दुर्घटना हुई है, इसको लेकर अब तमाम बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। वहीं जो इस घटना के पीछे की खास वजह,
मैं चाहूंगा जो अब तक आप समझ पाए हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखकर दर्शकों को सीमित शब्दों में बताएं। आपके दर्शक अपनी बात रखने के पहले धन्यवाद दूंगा कि न्यूज नेशन के आवाज को माननीय रेल मंत्री ने बड़ी गंभीरता से लिया और प्रधानमंत्री साहब ने और उनके ऑफिस पीएमओ ने बड़ी गंभीरता से लिया। इस न्यूज नेशन के माध्यम से कल डिबेट में हमारे द्वारा ये कहा गया था कि बॉडी से या चीफ जस्टिस के नेतृत्व में किसी पैनल से इसकी स्पेशली जांच कराई जाए या सीबीआई से कराई जाए तो खुश होगी जान करके कि सीबीआई से जांच करने का फाइनली सरकार ने रूप बना लिया और रेल मंत्री ने इस विषय पे ध्यान दे दिया। तो ये हो गई इस चैनल की ग्रेविटी और यहाँ के डिस्कशन की ग्रेविटी कि भारत की जनता और संसद और उसके राजतंत्र को धारण करने वाले नेतागण कितनी गंभीरता से न्यूज नेशन को लेते हैं। नंबर वन। नंबर टू, चूंकि ये एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट पहला नहीं है, इसके पहले बहुत हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में ना हो इसके लिए न्यूज नेशन ने प्रयत्न किया और रिपोर्ट को जानने की कोशिश की एक्सपर्टीज के द्वारा और वो कंटिन्यू जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से इसके ऊपर डिबेट लेकर के कर रहे हैं, चला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इतना सीरियस पत्रकारिता बहुत रेयर इस कॉमर्शियल ईट में जहां पे मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं वहां पे किसी फील्ड पे आम क्लोजली हो रहा है जी। अब हम आते हैं एक्सीडेंट के ऊपर क्योंकि ये हमारा स्पेशली स्पेशलाइजेशन का फील्ड है और भारतीय राजनीति में मैं बहुत बारीकी से माइन्यूटली मैं मार्किंग करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ लीडरशिप को, ब्यूरोक्रेट को। और रेलवे में जब मुझे भारत सरकार की तरफ से मौका दिया गया माननीय सुरेश प्रभु जो इस देश के पहले शायद रेल मंत्री थे कैबिनेट जिन्होंने रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड अरेंज किया और वो भी पर्सनल लेवल पे। अशोक जी मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में आ चुकी सीमित समय है आप जरा सा इतना बताएं कि जो ये दुर्घटना हुई है उसके जो प्राथमिक कारण अब तक समझ में आए जी। हाँ वही उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि ये भूमिका बहुत जरूरी था इसलिए बोल दिया जी, जी, मैं क्षमा चाहता हूँ जी, जी। तो मैं भूमिका पे सीधा छोड़ करके आपके कहने के पूरा रेलवे का इतिहास बताएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे। अंशु जी प्लीज मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु जी जुड़ गए हैं, जरा सा अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए अशोक जी। अशोक जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि रेल जो एक्सीडेंट किया गया इसमें अंशु जी रुके इसमें जो रेल कल एक्सीडेंट हुआ है इसमें जो मेजर इशू है वो है मेंटेनेंस का फंड। ठीक है। और मैं कल से इस बात मैं वापस आपके पास आता हूँ अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मेंटेनेंस का फॉल्ट एक बहुत बड़ी वजह बताई है अशोक जी ने। मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी से संजीव मिश्रा हमारे साथ है। संजीव जी जो तमाम आरोप प्रत्यारोप की स्थिति भी बन रही है और कई सियासी दलों ने जो जिनके बयान आपने सुने होंगे, अखिलेश यादव का भी बयान आपने सुना होगा कि कवच ऐसा शब्द जो लाया गया जिसके बारे में रेल मंत्री बात करते हैं, दावा करते हैं कि अब इसके बाद कोई भी घटना नहीं होगी, तो उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए विपक्ष का काम यहाँ केवल लाशों पर राजनीति करना रह गया। इतना बड़ा हादसा है, 275 लोगों की जहां पर दुखद मौतें हुई है और अभी उन लोगों को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि लगभग तमाम ऐसी लाशें हैं जिनको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से विपक्ष का काम लाशों पर राजनीति करना रह गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा पहले तो ये इसको बंद करें। दूसरी चीज ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जी खुद वहां पहुंचे, दो दिन से लगातार रेल मंत्री वहां पर हैं, खुद अपने नेतृत्व में वहां पर सघन सारे कार्यक्रम करा रहे हैं, हर संभव मदद की जा रही, और ऐसे समय में लाशों पर राजनीति करना मुझे लगता है उचित नहीं है। कुछ अगर वहां पर मदद हो सकती है तो हर पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। ये देश की बात होती है, ये लाशों की बात है, ऐसे समय में इतनी बड़ी नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में 3 ट्रेनें टकरा गई।
अब देखिए अखिलेश यादव जी की क्या स्थितियां हो गई है, तो ये भी कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है और इस वैक्सीन को मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये अखिलेश जी की क्या स्थितियां हैं, वो तो अपने आप को 2017 में जब चुनाव हारे थे जब उनका काम बोलता था, उसके बाद वो 2022 में तो खुद ही मुख्यमंत्री बनने लग गए। हाँ। और दो महीने पहले वो कह रहे थे कि किसी को नहीं लेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री बनने जा रहे, तो उनकी बात ना की जाए मुझे लगता है। चलिए ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलता हूँ। ठीक है अभिषेक जी आपके पास आऊंगा। ठीक है अभिषेक जी आपके पास आऊंगा। जो ये बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं ऐसे वक्त पर, क्या आपको लगता है कि ये बयान इस दौरान देना ठीक है? जैसे मैं अभी एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ने किया, लाशों पर राजनीति। शुभम भाई मैं उसी पे सबसे पहले उसी पे टिप्पणी करना चाहता था, लाशों की राजनीति कौन कर रहा है? 275 जाने किसकी गई, जनता की गई ना। कौन है रेल मंत्रालय का जिम्मेदार, कौन है ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहा, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? अगर किसी और की सरकार होती तो अब तक ये बखिया उधेड़ दिए होते, विधानसभा से लेकर सड़कों तक ये बखिया उधेड़ दिए होते। अब वहां जनता की जान जा रही है, सस्ती इतनी जनता की जान हो गई है कि लाशों की राजनीति की बात कर रहे हैं? कोरोना में लाशों को इन्होंने गंगा में बहा दिया और आज ये लाशों की बात कर रहे हैं? क्षमा माननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी, नैतिकता के आधार पे माननीय रेल मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिम्मेदारी लेने का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? और अभी आपके देखे जो कहते एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे मेंटेनेंस की फॉल्ट है, तो मेंटेनेंस कौन करता है? सरकार का काम है कि विपक्ष का काम है? हम राजनीति कर रहे हैं, हम किसी मुद्दे पे ना बोले, आप लोग हमारा मुंह बंद कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके से लाशों पे राजनीति हो रही है। राजा कहता रहेगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो, तीन ट्रेनें लड़ गए, ये तीर तुक्का मत करो, कुछ काम है तो काम जाकर के वहाँ पे, कुछ आपके क्षेत्रीय दल हो वहाँ कुछ होगा ही नहीं आपका। इसलिए बेकार की बातें करने के बजाय कहीं कोई मदद हो सकती है तो वो करनी चाहिए। इस समय लाशों पर राजनीति करना बंद करो। अखिलेश यादव का केवल काम रह गया लाशों पर राजनीति करना, इस तरह की ये क्या तरीका है बयान देने? नहीं संजीव जी रुकिए, संजीव जी रुकिए, उनको बात करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। कोरोना के समय में रुक जाए संजीव जी रुकिए, कोरोना के समय में यही बात कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी। मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ संजीव जी, क्योंकि आप सत्ता में है, आपकी जवाबदेही बनती है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा लेकिन बोलने दीजिए ना। ठीक है रुक जाइए रुक जाइए, उसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है कोई मुद्दे हो तो सामने रखो, छोड़ दो ठीक है करेंगे बात करोगे। ठीक है करने के बाद बजाय जिस तरीके से केवल ठीक है संजीव जी रुकिए बोलिए, साफ सही बात है। अभिषेक जी बोलिए, अभिषेक जी के लोगों का अरे ठीक है रुक जाइए संजीव मिश्र रुक जाइए, अरे कुछ जिम्मेदारी लेना सीखो, मलाई खाने के लिए बैठे हो। चले ठीक है अंशु अवस्थी मैं आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल यही है कि जो ये तमाम पॉलिटिकल ड्रामा अब क्रिएट किया जा रहा है, जो लगातार ये बयानबाजी हो रही है, ये कितना जायज है? अंशु जी आवाज मिल रही है आपको? अंशु अवस्थी शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अभिषेक कुछ कह रहे हैं, अभिषेक भाई बोलिए। अभिषेक राय अपनी बात रखिए जी, शायद उनसे संपर्क टूट गया, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार अब राजनीति इस पूरे घटनाक्रम में बढ़ती चली जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ अशोक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, पूर्व सदस्य भारतीय रेलवे बोर्ड के। एक बात जो आपने अशोक जी कही है कि मेंटेनेंस की कमी है, हालांकि मेंटेनेंस की कमी पे जिम्मेदारी किसकी होती है ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा है, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है, लेकिन जो राजनीति की जा रही है, जो कह रहे हैं जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में तीन ट्रेनें टकरा गई, अशोक जी चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कैसे ये बालासुर हादसा हुआ आपको बता दें, मेन लाइन से हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी और हावड़ा एक्सप्रेस भी इन बोगियों की चपेट में आ गई है और सिग्नल संबंधी गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ, जो कि प्राथमिक जांच में सामने आया। वहीं कोरोमंडल को मेन लाइन का सिग्नल दिया गया था और तुरंत मेन लाइन का सिग्नल वापस लिया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और तब तक ट्रेन लूप लाइन में चली गई थी, तो ट्रेन लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई और उसके बाद
कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगियां हैं वो बेपटरी हुई, अपनी पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर जा गिरी और इस बीच मेन लाइन से हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी और हावड़ा एक्सप्रेस भी इन बोगियों की चपेट में आ गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है और तकरीबन 275 लोगों की जान इसमें चली गई। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और सरकार को घेरने में विपक्षी दल जो है वो आगे आ गए हैं और लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। रेल मंत्री जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया। प्रमोद तिवारी ने कहा, भाई ब्रिटिश सरकार में रेलवे बहुत अच्छी थी, हमारी सरकारों ने सिर्फ अपना मुनाफा देखा है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल हाँ, तो मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजी बढ़ रही है इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद। देखिए, अभी जो मीडिया का परिदृश्य हो गया वो दरअसल ये हो गया है कि किसी भी कीमत पर सरकार को जनता के बीच से बचाना है। सरकार कोई भी गलती करे तो बचाओ, सियासी राजनीति हो रही, लाशों पर राजनीति हो रही। हम तो ये पूछ रहे हैं जिम्मेदार कौन है। आपने देश का जो रेल बजट था, देश की आजादी के इतिहास से अब तक रेल बजट हमेशा अलग से पेश होता था, इसलिए क्योंकि रेल इस देश के करोड़ों लोगों को ढोती है रोज और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो। लेकिन आपने पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम करने के लिए रेल बजट को खत्म कर दिया। आज उसका परिणाम है कि वित्त मंत्री जी स्क्रीन पर तो कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन रेल जो ट्रेन इंजनों में लगने थे, जो रेल में लगने थे, वो तो नहीं लग पाए, क्योंकि उनके पास बजट जो एक अलग अलॉटमेंट होता था उसकी इंपॉर्टेंस समझने। भाई आप बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि आप सिर्फ बदलाव के चक्कर में कहें, ऐसा तो नहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस देश की इकोनॉमी का या जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप क्यों बदलना चाह रहे हो, कहीं उससे देश के आम आदमी का नुकसान हो रहा है। आप कांग्रेस सरकार के बनाए सिस्टम को बदल रहे हैं, आपने संसद बदल दी, रेल बजट खत्म कर दिया, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, लेकिन ये देखो ना कि देश के 140 करोड़ लोगों का उससे कितना नुकसान हो रहा। आज कोई जवाब देगी तो नहीं, आप तो फोटो सेशन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी भी गए, फोटो सेशन हो गया, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। भैया प्रधानमंत्री जी गए थे, जिम्मेदार मानते हैं इतिहास में सबसे बड़ा ये रेल एक्सीडेंट है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, उसके बाद हम बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लेंगे। नहीं, अगर थोड़ी भी शर्म होती, जो बेशर्मी का ताज लेकर रेल मंत्री जी घूम रहे हैं, थोड़ी भी शर्म होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। वो टीवी पर प्रेजेंटेशन करते हैं कवच का और एक्सीडेंट होता, तीन तीन ट्रेनें लड़ रही हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री जी की तो हिम्मत नहीं पड़ रही। आप जनता के सामने आइए, आप बताइए आपने रेल बजट क्यों समाप्त किया। संजीव मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। उन्होंने कहा है, जैसा कि आपने खुद सुना है, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि जरा भी शर्म बाकी हो, जो इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, तो रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देखिए, ये दल जो है, ये लाशों पे राजनीति करने वाले दल हैं, इनके इनको उनकी जो लाशों पे राजनीति नहीं है। मुंबई में, मुंबई में जब हमला हुआ था तो लाशों पर राजनीति, गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, मोदी जी के आंसू मर चुके हैं, लाशों पर राजनीति आप लोग करते हैं। और इनके पास आपने आज तक नहीं बताया कि पुलवामा का ऑडियंस कहां से आया, उत्तर प्रदेश 80 किलो ऑडियंस कहां से आ गया। अरे लाशों पर राजनीति करने वालों शर्म करो, ये बताओ जिम्मेदारी किसकी है। कभी आपके विभाग के रेल के लोग मान रहे हैं कि मेंटेनेंस की कमी थी, तो मेंटेनेंस किसके पास आता है, क्या समस्या है आपकी, सीबीआई? अरे आपके तोता मैना सभी जानते हैं, कोई भी सरकार के खिलाफ सवाल करते सीबीआई पहुंचाती, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे समाचार चैनल हो, इसीलिए लोगों ने बंद कर दिया। अरे उन तोतों को तो कोई गंभीरता से नहीं लेता, उन तोतों को गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, जो जाने देश गई हैं, जो परिवार उजड़े हैं, रेल मंत्री उनका जिम्मेदार अगर सरकार है तो रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब दे दो। हर संभव मदद हो रही, वो काम चल रहा है, नहीं हो रही। ये 22-22 घंटे आप ऐसे काम कर रहे हैं कि तीन तीन ट्रेनें लड़ जा रही और काम चल रहा है, कोई व्यक्ति ये काम चल रहा है पैदा करने नहीं गया। अरे आप सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हो, सिर्फ फोटो खिंचाने जाते, सिर्फ फोटो खिंचाने ना, संगठन सिर्फ फोटो खिंचाने जाते, फोटो खिंचाने
अरे फोटो खिंचा कोई आप लोग यहां बीजेपी ने अपनी मानवीय संवेदनाएं खो दी हैं। जिस तरीके से वहां पर एक दूसरे के जो मृत शव थे उनको जिस तरीके से फेंका जा रहा है। अंशु अवस्थी एक बात और बताइए, जैसा कि आपके दल के द्वारा कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में रेलवे की जो सुरक्षा थी वो ज्यादा सुदृढ़ थी, कैसे? जरा मैं समझना चाहूंगा। केवल नारेबाजी और नेताजी करने कि रेल बजट हमेशा इसीलिए अलग रखा जाता था कि देश की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी रीढ़ है रेल। आपने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आपने कोई कारण नहीं बताया कि हम रेल बजट क्यों समाप्त कर रहे हैं। आपने कोई आधार नहीं बताया। देश के लोग इस बात को जानना चाहते हैं और परिणाम आपके सामने रेल बजट से कि कवच को लेकर वो टीवी पर तो बात कर रहे थे, स्क्रीन पर बात जवाब दीजिए संजय मिश्रा जवाब दीजिए। में तो कवच नहीं लग पाया ना। रेल बजट अगर कवच लग गया होता तो आज देश के जो 200-300 लोग 250 लोग मर गए, कम से कम उनकी जान तो नहीं जाती। इन बीजेपी के नेताओं लाशें पड़ी है और इस तरीके की बेकार की बातें कर रहे हो। अरे कम से कम कुछ शर्म करो। लेकिन आंखों का पानी मर गया है क्या? आंखों का पानी मर गया है क्या? 275 लाखों पे राजनीति कर रहे हो। रेल बजट की बात कर रहे हो। निजीकरण पे फोकस की वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। रेल के निजीकरण पे फोकस से बाकी किस तरीके की बात कर रहे हो? ये कांग्रेस का जवाब दे दीजिए ना कि कवच क्यों नहीं लगा था ट्रेनों में। हो गया क्या? कोरोमंडल एक्सप्रेस तो समझ में नहीं आ रही गाड़ी हुआ करती किस तरीके की बात कर रहे हो? जवाब नहीं आपके पास। अरे सहानुभूति रखो। 275 लाखों पड़ी हुई है। उन किस तरीके से आंखों का पानी मरने के कारण इस तरीके की बातें कर रहे हो? करने का झूठ ये तरीके की बातें कर रहा हूँ। क्या करते हैं? तीन ट्रेनें लड़ी है, 275 लाशें पड़ी। अरे फोटो उठो क्या कर रहे हो? ये राहुल गांधी नहीं है जो विदेश में पड़े आ गए कि इंडिया की नहीं है? अरे कुछ सहानुभूति करो, शर्म करो, शर्म। अरे जाके कुछ मदद कर पाओ तो करो। 275 लाशें पड़ी है और कांग्रेस जो है कांग्रेस का प्रवक्ता केवल न्यूज स्टेशन पर बयान देने का कोई काम नहीं। इस्तीफा लेते कार्रवाई करते। अरे कांग्रेसियों के पास भी कुछ है? क्या कार्रवाई हुई जवाब करके दिखाओ जरा क्या कर रहे हो? देश के लोग जानना चाहते हैं किसी तरीके की मदद की विपक्ष है, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस विपक्ष में है, कोई मदद कर रहे हो जाके वहाँ पे? कि खाली चैनल पे फोटो खिंचा रहे हो? खाली चैनल पे फोटो खिंचा रहे हो? खाली चैनल पे फोटो खिंचा रहे हो? अरे मदद करो जाके वहाँ पे। लाशें पड़ी है वहाँ पे, मदद करो जाकर के। लाशों के साथ फोटो की बात कर रहे हो? ये न्यूज स्टेट पे फोटो खिंचा रहे हो? न्यूज स्टेट पे फोटो खिंचा रहे हो? मदद करो जाके। लाशों के आगे मदद करो जाके। शर्म नहीं मदद करो जाकर के। मदद करो वरना जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी। मदद करो जाके। राहुल गांधी को भेजो वो भी मदद करो जाके। अगर कुछ है आंखों में शर्म, आंखों में शर्म हो चलिए ठीक है। राहुल गांधी देखो मदद ठीक है। अभिषेक मैं आपके पास आऊंगा। आज जो ये दुर्घटना जो हुई उसके बाद लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जब इस तरीके का कोई कृत्य होता है, जब इस तरीके का कोई संकट देश पर आता है, वहां पर 275 जो लोग थे वो किसी एक जात, किसी एक धर्म, किसी एक पार्टी विशेष के नहीं थे, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग थे। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय पे सभी राजनीतिक दलों को कम से कम एक साथ होकर आवाज उठाकर मदद के लिए आगे आना चाहिए? क्योंकि ये जनता, ये वोटर्स, ये तमाम कार्यकर्ता जो आपकी पार्टी के और बाकी दलों से भी हैं, यही आपको बनाते हैं सारे राजनीतिक दलों को। ऐसे में राजनीति कितनी जायज है? शुभम भाई देखिए, राजनीति की बात ही नहीं। मैं तो उन 275 जो बेचारे उस रेल हादसे में एक्सपायर हो गए उनके लिए मेरी गहरी संवेदना है। और मैं एक डॉक्टर होते मुझे पता है उसमें जो 1000 से ऊपर के एक्सीडेंट्स हुए हैं, किसी का हार्ट टूटा, किसी का पैर टूटा, कई लोग विकलांग हो जाएंगे उसमें से। मैं खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तो मैं जानता हूं ये बात। लेकिन शुभम भाई आप बताइए, कोई तो जिम्मेदारी लेगा कि ये घटनाएं ऐसे होती चली जाएगी? अभी एक आपके एक्सपर्ट कह रहे थे मेंटेनेंस की दिक्कत है। मेंटेनेंस कौन मेंटेन करता है? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देखो कितनी निर्लज्जता से वो कह रहे हैं कि साहब आप क्यों नहीं मदद करने जा रहे? साहब हम सत्ता में नहीं, हम कितनी मदद कर पाएंगे? सारे संसाधन आपके पास है। आप कहो ना, अगर मदद के लिए आपको कमी पड़ रही हो आप कहो, क्यों नहीं जाएगा कोई मदद कर? आप इस तरह की अपील करो। आप कोई अगर मदद करने को लाशों के सामने फोटो खिंचवा रहा था ना? अरे छोड़ो, लाशों लाशों ये क्षेत्रीय दल वाले आपको बताएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी गए हैं, दो दो दिन से रेल मंत्री है, क्या बात कर रहे हैं?
अरे थोड़ा लज्जा नाम की चीज नहीं है क्या? क्या लज्जा नाम की चीज नहीं है? आप लोग का पानी मर गया, राजनीति कर रहे हो लाशों पे और उसके बाद बता रहे वैसा नहीं वैसा। अरे कोई मदद कर पाते तो बताते, 275 राज्य बड़ी है, क्या मदद करने कोई दिखाई लाशों पे? राजनीति बंद करो वरना जनता माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी को भेजो, वो भी लाशों वाले चुनू पर पानी में डूब केवल चैनल पे बैठने पे शाम नहीं चलेगा। सीबीआई जांच की बात हो गई, अब सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए चिंता न करो। जो भी दोषी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लाशों पे राजनीति करना बंद करो, मैं तो एक ही बात कहूंगा, लाशों पे राजनीति बंद करो। कुछ अगर कुछ 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 मदद कर सकते हो तो करो, वरना केवल चैनल पे बैठ के हवाबाजी करना बंद करो। चैनल पे बैठ के हवाबाजी बंद, लाशों पे राजनीति बंद, लाशों पे राजनीति बंद। तुमने कितनी मदद की? प्रधानमंत्री तो वहाँ है, रेल मंत्री वहाँ है। अरे अखिलेश यादव कहाँ है बताओ? अखिलेश यादव कहाँ है तुम बताओ? अरे तुम्हारे कर्मचारी हो, अखिलेश यादव कहाँ है तुम बताओ? शिवपाल यादव कहाँ है तुम बताओ? गए क्या वारासोर? गए क्या अखिलेश यादव वारासोर? गए वो बताओ। लेकिन हवा में बात बताओ, एक बात बताइए संजीव मिश्रा, एक जो सवाल उठाया यहाँ पर अंशु अवस्थी ने, ठीक है अब हो गया आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप हो गया, ठीक है। अभिषेक भाई रुकिए, अभिषेक जी रुकिए। संजीव जी, जो उन्होंने सवाल उठाया कि रेल बजट जो अलग से होता था, आखिर उसको खत्म करने का क्या मतलब है? देखिए, रेल बजट जो अलग से होता था उसको खत्म किया ही नहीं गया, ये हवा में बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि लाशों पर राजनीति करना बंद करें, इधर उधर की बातें बंद करें। अभी वहां पर सहयोग मदद की जरूरत है, लेकिन इन सबसे पहले लाशों में से एक व्यक्ति ने वहां पर मदद करने की बात नहीं की, एक व्यक्ति ने मदद करने की। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि लाशों की राजनीति की जा रही है, आखिर कौन कर रहा है, कौन सा दल कर रहा है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन लाशों पर राजनीति करने वाला आखिर